नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। बात करेंगे कटक से कटक मारवाड़ी समाज के चुनाव पर। ऐसा लग रहा है कि घमासान चरण सीमा पर है। 5 जनवरी को चुनाव होने हैं, पर यहाँ तक चुनाव का जो सफर रहा है बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरू से लेकर के अब तक कई रोमांचक मोड़ों से गुजरा है ये चुनाव। आज हमारे सामने फोन लाइन पर हमारे साथ हैं कटक मारवाड़ी समाज के घोषित प्रत्याशी श्रीमान नथमल जी चेनानी और पम्मामा जी हमारे साथ हैं, जो कि इस रण में बहुत संघर्ष भी कहूं और उत्कर्ष भी कहूं, क्योंकि इस उम्र में वो जिस रूप में इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जिस रूप में उन्हें कुछ पेचीदगियां कुछ कठिनाइयों का सामना भी शुरुआत में करना पड़ा है। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं श्रीमान मामा जी। हाँ जी मामा जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी मामा जी, बात करेंगे कटक मारवाड़ी समाज के चुनाव की, और आप चूंकि प्रमुख प्रत्याशी हैं, मारवाड़ी समाज के घोषित प्रत्याशी हैं, लेकिन आज मैं वहां से बात को शुरू करूंगा जब चुनाव की शुरुआत हुई थी और उस वक्त अचानक एक नजारा बदला था आपके अपने ही साथी से अलगाव या विरोध, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो थोड़े अलग हो गए थे। उस वक्त की जो स्थिति बनी थी और आज जिस स्थिति पर आप खड़े हैं, उसे लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? ऐसा है संजय जी कि मैं तो कोई भी इसे विरोधाभास और किसी को मेरा विरोधी नहीं समझता। मैं उस दिन भी आपको बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि वो मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे। ऐसा मेरे मन में कहीं विरोधाभास का एक रति भी कोई मेरे मन में नहीं है, क्योंकि मैं एक आपको इसके ऊपर में आप हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी और केकई का प्रसंग आपको याद दिलाना चाहूंगा। जी जी जी, कि केकई माता भगवान रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा प्रेम और प्यार करती थी, जितना कि कौशल्या माता नहीं करती थी। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होने वाला था, तब माता केकई ने अपने 2 वचनों का जो प्रयोग किया, उसमें उनको 14 साल का वनवास दिलाया। सब लोग यही सोचते रहे कि जो माँ अपने माने के कौशल्या मैया से ज्यादा उसे प्यार करती थी, स्नेह करती थी, वो माँ उसे वनवास कैसे दिया, वो उसके ऐसे विरोध क्यों किया, इसके कारण क्या राज है। सब उसको बुरी या भला कहने लगे, लेकिन उन्होंने क्यों किया इसके पीछे भी आप सुनिए। जहां तक मैं जानता हूँ, उन्होंने सोचा कि अगर मेरे राम को अभी राज्याभिषेक हो जाता है तो वो सिर्फ अयोध्या तक का ही बन के रह जाएगा, और अगर इसे मैं 14 साल वनवास देती हूँ तो ये पूरे ब्रह्मांड में घूमेगा और ये पूरे विश्व का राजा बनेगा। उसने भगवान राम की अच्छाई के लिए, उसे निखारने के लिए उसने ये कदम उठाया था। क्या बात, उसने उसका बुरा नहीं सोचा था। जी 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 जी, उसने उसका बुरा नहीं सोचा था। वैसे ही मैं, मेरे मित्रों ने जो मुझे इस तरीके से आप जो बोल रहे हो छोड़ के चले गए, विरोध किया, मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्यों कि अगर मेरे को वो अध्यक्ष बना देते तो शायद आज मेरे अंदर में जो समर्पण की भावना आई है, शायद मैं आज 10 दिन में 600-700 परिवारों से मिला हूँ, जो मुझे स्नेह प्यार उनसे मिला है, जो मैंने उनसे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो मेरे साथ 17-17 घंटा अभी लगे हुए हैं, मैं उनसे वंचित रह जाता। क्या बात है, मेरा वो परिवार जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास अपने बेटियों के लिए शादी करने के लिए नहीं है, वैसे वैसे परिवारों से भी मेरा संपर्क हुआ है। ये अत्यंत दुखद बात है मामा जी, ये अत्यंत दुखद बात है
कि विकास के इस दौर में मारवाड़ी समाज में ऐसे लोगों से भी आपका परिचय हुआ है जो अभावों में जी रहे हैं। हेलो। हाँ 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 मामा जी। हाँ तो मेरा ऐसे भी संपर्क हुआ है और मैं ये जान पाया हूँ कि वाक्य में मेरे को आगे बढ़ के मेरे पूरे समाज के साथ मिलकर पूरे समाज को मिलाकर मैं कैसे एक अच्छा काम कर पाऊँ। और अब मेरी जो पहले इच्छा थी उससे ज्यादा अपने समर्पण की भावना भी बढ़ चुकी है और मेरी स्नेह और प्यार की झोली भी बढ़ गई है और मुझे मेरे परिवार मेरे जो समाज है उसको समझने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है जो कि मैं सोचता हूँ कि शायद इससे मैं वंचित रह जाऊँ। क्या बात है, आपने इतिहास से एक सकारात्मक दृष्टिकोण उठाया है और आपने उसे इतना सकारात्मक बना दिया कि अब कहीं गिला शिकवा शिकायत नहीं रही। आपको ये लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो किया गया वो आपके अच्छे के लिए किया गया। अगर आपकी वैसे ही ताजपोशी हो जाती तो आप अपने समाज में लोगों के घरों तक जो इस रूप में गए हैं, लोगों से मिले हैं, उनके सुख दुख आपने सुने हैं, आप वो नहीं जान पाते तब आपका समर्पण भी उतना नहीं होता। लेकिन जब आपने ये सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से सुना है और अपने ही समाज के लोगों में कुछ लोगों को आपने अभावों में जिंदगी को जीते देखा है, तब निश्चित रूप से आपके मन में ये भावना जरूर घर कर गई है कि अगर आप इस संग्राम में विजयी होते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, तो फिर आप उन लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। निश्चित रूप से ये भावना कहीं ना कहीं आपके मन में आई है। मामा जी, इस उम्र में, अब सर्दी का वक्त है, इस उम्र में आप सुबह से लेकर के रात तक जिस रूप में दौड़ रहे हैं, ये ऊर्जा जो मिल रही है इस उम्र में, वो उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? उसका मैंने बताया ना, मेरे को मेरे जो कार्यकर्ता, मेरे जो साथी और मैं जो घूम रहा हूँ वहाँ, एक से एक ये समूह बढ़ता जा रहा है, काफिला बढ़ता जा रहा है। और मेरे जितने भी मेरे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जिसको हम धनाढ्य भी बोल सकते हैं, उनसे भी मैंने मुलाकात की है। मैंने मेरे मीडियम ग्रेड वालों से भी मुलाकात की है, मेरे वो भाइयों से भी मुलाकात की है जिनको बहुत कुछ जरूरत है आज उनके लिए, माने वो जिस तरीके के अभाव की जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ जरूरी है, ऐसे व्यक्तियों से भी मुलाकात हुई है। वो ऊर्जा धीरे धीरे मेरे अंदर में आई है कि वाक्य में हम तो अगर कुछ अपने समाज के लिए कर सकेंगे तो मैं मेरे को अपने आप को धन्य समझूंगा। मामा जी, एक बात बताइए, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब आपके मन में कुछ बातें हो रही होगी कि अगर मैं जीतता हूं तो समाज के लिए ये करूंगा, अब क्या कुछ पलटा है, अब कुछ नई चीजें आ गई है कि भाई ये चीजें सबसे पहले जरूरी है? बहुत पलट गया। उस टाइम में था कि मैं मेरे समाज के लिए करूंगा और मेरे जो माने समझ लीजिए कुछ मुख्य मुद्दे मैंने अपने संकल्प पत्र में भी दिए हैं, मैंने वो संकल्प पत्र के लिए भी मैंने सोचा कि मैं ये सब करूंगा, लेकिन अभी मेरे अंदर में दृढ़ संकल्प मेरे मन में आने लगे है धीरे धीरे कि नहीं, मेरे को मेरा जो समय में जो पहले सोच रहा था कि मैं कुछ परिवार को दूंगा, कुछ समाज को दूंगा, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ कि उसमें मेरे अपने आप में इतनी ताकत मैं महसूस करने लगे हूँ कि नहीं, मेरा जीवन जो है शायद अगर मैं मेरे समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। ये सबसे बड़ी पूंजी होगी क्योंकि आपने अपने समाज के कुछ भाइयों को जिस अभाव में जीते हुए देखा है, उनके अभावों को दूर करना, उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का एक रास्ता देना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता अब आपकी बन जाएगी। अब आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्योंकि 5 तारीख को चुनाव है, अब एकदम करीब आ गया है चुनाव? मैं तो मेरे सभी समाज बंधुओं को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत से आदमी मेरे को जानते हैं कि मैं जब मेरे पास में खाने के लिए भी अभाव था तब से मैं सेवा भाव में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ग्रास रूट से जुड़ा हूँ, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, धार्मिक है, व्यापारिक संस्थाओं से भी मैंने काम किया हुआ है, तो ऐसे बहुत सी संस्थाओं में मैंने काम किया है। तो मैंने जो आज तक मेरे जीवन में जो मैंने सेवा कार्य से सीखा है और उस सेवा कार्य को
मैं ये 10 दिन में जो मैं 500-600 घरों में पहुंच के मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और जो मेरे साथ जुड़ गए हैं और जो ये पूरा कटक शहर को एक साथ लेकर मैं ऐसा मेरे समाज के लिए कार्य करूं जो मैंने आज तक 35 साल में अपने आप को मैंने समर्पित किया है, कार्यों में जो सीखा है मैंने वो कार्य मैं मेरे समाज के उन भाइयों के लिए मैं कुछ करूं जिनको जरूरत है, तथा मेरे समाज में जो चीजों की जरूरत है उन सब चीजों को मैं तेरे पूरे समाज को लेके करूं। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि वो अपना अमूल्य वोट जरूर 5 तारीख को देने आए और मुझे जिताकर मैं जो सब समाज को साथ में लेकर चलूं, और इसी माने ये के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो वोट जरूर डालें और मेरे को दें और मैं आपका साथ लेके ज्यादा से ज्यादा अपना समय देकर मैं हम सब मिलके समाज के अंदर में कुछ ऐसा काम करें जहां हमको समाज के लिए जरूरत है। क्या बात है, मार्मिक अपील है कि हम सब मिलकर के समाज के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं, सब साथ चलें, किसी से अनमनापन नहीं है, किसी से कोई तरह की शिकायत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात मामा जी ने फोन पर बिल्कुल नहीं है। मेरे सामने जो प्रचार कर रहा है, मेरे सामने जो खड़ा है, उस अच्छे कार्यकर्ता को हम अपने साथ लेके चल के उनके साथ काम करने का जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये सामाजिकता की बात आई है और बहुत बड़ी बात आई है कि चाहे चुनाव में भी हमारा कोई प्रत्याशी हमारे सामने खड़ा हो, लेकिन जब चुनाव परिणाम आ जाएगा तब हम हर एक व्यक्ति की योग्यता का सम्मान करते हुए उसे अपने साथ लेकर के समाज के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थे कटक मारवाड़ी समाज के चुनाव के एक मुख्य प्रत्याशी श्रीमान नथमल चेनानी उर्फ मामा जी, जिन्होंने अपने मन की बात हम सब तक पहुंचाई है। 5 तारीख को चुनाव है और बड़े रोमांचक मोड़ पर कटक मारवाड़ी समाज का ये चुनाव खड़ा है। मामा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मामा जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी।